कहते हैं ना, प्यार कभी किसी के रोके नहीं रुकते। वह तो पानी के जैसे सारे बंधनों को तोड़कर सारी सीमा लांघते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। बीते कुछ दिनों से पाकिस्तान से आई सीमा हैदर और राजस्थान से पाकिस्तान गई अंजू की सीमा पार वाली प्रेम कहानी सुर्खियों में है। अब ऐसी ही एक और प्रेम कहानी सामने आई, जहां एक बांग्लादेशी महिला अपने प्रेमी से मिलने राजस्थान आ गई। मामला राजस्थान के अनूपगढ़ जिले की रावला मंडी का है। चलिए आपको बताते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। बांग्लादेश की एक महिला अपने प्रेमी से मिलने राजस्थान पहुंच गई। यह मामला भी पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर से मिलता जुलता है। रावला थाना इलाके में बॉर्डर एरिया के गांव 13 DOL में बांग्लादेशी महिला अपने सोशल मीडिया पर मिले दोस्त से मिलने पहुंच गई। इस महिला का नाम हबीबा ढाका बताया जा रहा है। गांव के युवक रोशन से बांग्लादेशी महिला की सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई और वह वीजा लेकर उससे मिलने उसके गांव पहुंच गई। जानकारी के मुताबिक दोनों की दोस्ती लगभग 6 महीने पहले हुई। दोनों की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आए दिन बातें होने लगी। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी और दोनों ने सोशल मीडिया पर ही एक दूसरे के साथ रहने के वादे कर लिए। जानकारी के मुताबिक 3 सितंबर की सुबह हबीबा बीकानेर पहुंच गई थी और हबीबा ने इसकी सूचना रोशन को पहले ही दे दी थी। रोशन 3 सितंबर को हबीबा को बीकानेर से लेकर शाम तक अपने गांव 13 DOL पहुंच गया। बताया जा रहा है कि हबीबा बांग्लादेश से कोलकाता दिल्ली होते हुए बीकानेर पहुंची थी। रोशन की मां ने बताया कि रोशन की शादी लगभग 2 साल पहले हो चुकी है और रोशन का करीब 7 महीने का एक बेटा भी। रोशन की मां ने बताया कि जब हबीबा उनके घर आई तो वह हिंदी में बात कर रही थी, उसे पंजाबी भाषा समझ नहीं आ रही थी। हबीबा ने बताया कि वह वापस बांग्लादेश नहीं जाना चाहती, उसके पास टूरिस्ट वीजा है और वह भारत में ही रहना चाहती है। हबीबा ने रोशन के परिजनों को बताया था कि बांग्लादेश में घर से आ जाने के कारण उसकी काफी बदनामी हो गई है, इसलिए वह वापस अपने देश नहीं जाना चाहती। हबीबा बांग्लादेश के ढाका की निवासी बताई जा रही है। रोशन की बहनों और उसकी मां ने मीडिया और प्रशासन से अपील की है कि वह हबीबा को यहां नहीं रखना चाहते, इसलिए प्रशासन और सरकार उसे वापस बांग्लादेश भेज। जैसे ही बांग्लादेशी महिला की आने की सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस ने महिला और गांव के युवक रोशन को थाने बुलाकर पूछताछ शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों को सूचित किया। रावला थाना अधिकारी ने बताया कि महिला के पास टूरिस्ट वीजा और 2000 बांग्लादेशी मुद्रा भी मिली। इस पूरे मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी गई। आगामी कार्रवाई उनके निर्देशानुसार ही की जाएगी। पुलिस द्वारा महिला से लगातार पूछताछ की जा रही है। महिला और रोशन से पूछताछ पूरी होने के बाद ही इस मामले का पूरा खुलासा हो पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।